बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह ने मक्का खरीदी पर बीजेपी पर निशाना साधा। विधायक सिंह ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में मक्का खरीदी विधायकों और मंत्रियों के रिश्तेदारों और पत्नियों के नाम से की जाती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहां सिर्फ किसानों के हित की बात की जाएगी और उनकी उपज को खरीदा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सारे जिले में मक्का तो खरीदी करने का था, लेकिन सिर्फ कामेश्वर नगर समिति का एक किसान ने बेचा, जो ग्राम सनावल की पुष्पा नेताम पति राम विचार नेताम है, जो 18.5 क्विंटल मक्का बेचा था। बाकी किसी किसानों की मक्का नहीं खरीदी गई थी, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि किसी भी मंत्री हो, विधायक हो या नेता हो, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं, चाहे किसी भी दल से आस्था रखते हो, प्रत्येक किसान जो हमारे बलरामपुर जिले की धरती में मक्का पैदा करता है, पंजीकृत है, तो हम सभी का उनका पंजीयन करके धान मक्का और मक्का खरीदी का काम करेंगे। हाँ, पुष्पा नेताम पति राम विचार नेताम ग्राम सनाव लिखा है, तो उस नाम का तो और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो हो ना हो मंत्री जी की पत्नी का नाम होगा, क्योंकि राम विचार नेताम दूसरा सनावल में नहीं है और पुष्पा नेताम भी दूसरा नहीं है, तो उससे तो साफ यही हुआ और उसके रिकॉर्ड में भी यही दिख रहा है। तो ये राम विचार नेताम जो मंत्री थे, तब उनकी पत्नी के नाम पे खरीदा गया था 18.5 क्विंटल, बाकी किसी किसानों के नहीं खरीदना उसने उचित समझा, लेकिन हम लोग ऐसा कोई भेदभाव पक्षपात नहीं करेंगे। हम सारे लोगों की धान और सारे लोगों की धान भी खरीद रहे हैं, किसानों का जो पंजीकृत है, जो किसान धान पैदा किए हैं 25 रुपये, और मक्का भी हम 18.5 रुपये हर हालत में खरीदी करेंगे।